खामोशी। कहीं मोहब्बत है, रजा है, कहीं ये गुरेज है, इज्तनाब है। किसी से खामोश गुरेज बहुत ही भयानक सजा है। कहीं इकरार है, असबात है, तस्दीक है, कहीं इनकार है, नफी है, तजलील है। खामोशी कहीं भरम रखती है, मान रखती है, पर्दा रखती है। कहीं गुनाह है, जुर्म है, कहीं दूसरों के जहन में वसवसे और अंदेशे पालती है। कहीं ये अपने अंदर के सवालों के जवाब तलाश करती है। खामोशी भी अपने अंदर एक अजीब सी दुनिया बसाए रखती है। कहीं खामोशी अंदर के शोर को दबाती है, कहीं खुद शोर करती है, शोर करती है। बुरे सलूक का बेहतरीन जवाब अच्छा सलूक, और जहालत का बेहतरीन जवाब खामोशी है। जो इंसान जितना खामोश रहता है, वो अपनी इज्जत को उतना ही महफूज रखता है। किसी की खामोशी को उसका तकब्बुर न समझो, क्या पता वो खुद अपनी ही जात से जंग कर रहा हो। बाज़ोकात खामोशी इख्तियारी नहीं, मजबूरी होती है, क्योंकि इंसान झूठ बोलना नहीं चाहता और सच बोल नहीं सकता। सोच की इब्तदा है खामोशी, बात की इंतहा है खामोशी। लफ्ज आराम कर रहे हैं यहां, इन लबों पर लिखा है खामोशी। आंख सुनती है बात सहरा की, सिलवटों की सदा है खामोशी। कहते कहते मैं रो पड़ा, लेकिन दर्द दिल की दवा है खामोशी। दर्द दिल की दवा है खामोशी। बाज दफा खामोशी वजूद पर नहीं, दिल में उतरती है। फिर इससे ज्यादा मुकम्मल, खूबसूरत और बामायनी गुफ्तगु कोई और चीज नहीं कर सकती, और ये गुफ्तगु इंसान की सारी जिंदगी का हासिल होती है। और इस गुफ्तगु के बाद एक दूसरे से कभी दोबारा कुछ कहना नहीं पड़ता, कुछ कहने की जरूरत रहती ही नहीं। खामोशी अजीम नेमत है, बिलखसूस उस मकाम पर जहां इख्तलाफ ज्यादा, आवाजें बुलंद, इल्म की कमी और दलील की कोई औकात ना हो। जब इंसान अपनी वक्त खो दे, तो उसके लिए बेहतरीन पनाह खामोशी है। वजहात कभी सच्चा साबित नहीं कर सकती, निदामत कभी नामुल बदल नहीं हो सकती, अल्फाज कभी भी इंसान को उसका खोया हुआ मकाम वापस नहीं दिला सकते। हाँ, खामोशी मजीद तजलील से बचा लेती है। इससे खामोशी कहीं ज्यादा बेहतर है कि किसी को हमराज बनाकर उसे कहा जाए कि किसी से ना कहना। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि तुम्हारी कामयाबी शोर मचा दे।